आज की कविता में आप सभी का स्वागत है। आज की कविता है सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी कविता के कवि हैं रमेश तैलंग जी। इस कविता में बच्चे सूरज से जल्दी निकलने का आग्रह कर रहे हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे कह रहे हैं कि सूरज अब जल्दी आइए, एक कटोरी धूप लेकर जल्दी निकलिए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे कह रहे हैं, चारों तरफ कुहासा फैला है और आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसी इतनी देर किसी के घर में कोई रुकता है? सूरज से कहते हैं, सच सच बताइए और आप जल्दी आइए। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वो अभी तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सब के सब ही सीले हैं। दीवारें दरवाजे सब के सब गीले हैं। अब बहाना छोड़ दीजिए, अब आपका बहाना नहीं चलेगा और आप जल्दी आइए। नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चों अब इस कविता को हम गा कर देखेंगे। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भर कर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। धन्यवाद बच्चों।